वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहोय। आज एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग अनबॉक्सिंग है। मैंने अनबॉक्स करा और एक वीडियो बनाया, पर मुझे रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे, तो सोचा आपको ऐसे ही दिखा दूँ। कुछ थॉट्स भी थी। तो ये द गोस्ट प्लैनेट में बहुत दिन से वेट कर रहा था आर्क कॉमिक्स की, और ये पैकेट उमा कार्ट से आया है, तो पता नहीं क्या चक्कर है। ये इसमें बहुत ही ख़राब सी पैकिंग है, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग पैक नहीं करा है। और उमा कार्ट का मैं बुराई नहीं करूँगा, पर वो कुछ बताते नहीं हैं, रिप्लाई नहीं करते मैं जब भी मैसेज करता हूँ। और ये पैकेट का आज ही मुझे मैसेज आया और आज ही डिलीवर हुआ। कुरियर तो ठीक ही था, DTDC वो सब, पर अगर आप पैकेट खोलें और लॉन्ग कॉमिक्स की ढंग से पैकिंग ना हो तो फिर क्या मतलब है। ये पूरे एजेस बेंड हो गए हैं, ये पूरा मज़ा ख़राब कर देता है। ये एक नए पब्लिशर की बुक है, तो बहुत वेट भी कर रहा था। स्टिकर भी ऐसा ही मुड़ा हुआ ही आया है, पता ही नहीं ये उनकी गलती है या सेलर की, पर ये थोड़ा मूड ख़राब हो गया इसमें। बाकी तो इसमें प्रथम बोकाल सेट है, तो इसकी पहली बुक है आरंभ, आरंभ के बाद आती है सूर्यांश, फिर है स्वर्गपात, और उसके बाद है सृष्टि। तो ये बुक अच्छी है, पर बाद में इनके थॉट शेयर करूँगा कि कैसे इनकी क्वालिटी है। फिर बहुत अच्छी नहीं लग रही है, कुछ नॉवल्टीज़ नहीं है, और बाकी कुछ डायमंड कॉमिक्स है, तो डायमंड कॉमिक्स काफ़ी अच्छी है। इनकी कुछ के पेजेस ग्लॉस हैं, कुछ के मैट हैं, बट पुरानी वाली फीलिंग आ रही है, तो ये अच्छी बात है करीब इस सेट में। और फिर लास्ट बुक है सर्वप्रलय। तो सर्वप्रलय से मेरा सर्वनायक का एटलीस्ट 13 तक का सेट पूरा होता है। अभी सर्वायुध और सर्वसमर आगे आएगी, तो ये मैं पढ़ूंगा। बीच में एक पार्ट मिस हो गया था सर्वप्रलय। तो यही एक छोटा सा सेट, द गोस्ट प्लैनेट, थोड़ी डायमंड कॉमिक्स, सर्वनायक की एक मिसिंग 11th पार्ट, और प्रथम बोकाल सीरीज, सॉरी आरम सीरीज योद्धा की। तो दैट्स अबाउट इट, स्मॉल अनबॉक्सिंग फ्रॉम उमा कार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।